हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है मेरे चैनल पे, वो वीडियो जो कि बहुत दिनों से क्या बोल सकते हैं पेंडिंग था। और ऑब्वियसली सबसे पहले जो नॉइस आ रहा है उसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सामने कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं केरला में हूँ, तो इतने साल के बाद केरला आकर अगर केरला सारीज की शॉपिंग नहीं की तो फिर क्या किया। तो मैंने भी छोटी सी शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदा है। जैसे कि अभी कोई फेस्टिव सीज़न नहीं है यहाँ पर, इसलिए इतना अच्छा वैरायटी नहीं मिल रही है मुझे। तो मुझे फिर भी, क्योंकि मैं इतने टाइम के बाद आई हूँ और फिर पता नहीं कब आना होता है, तो ऑब्वियसली मैं जब भी आती हूँ केरला तो केरला साड़ीज़ की शॉपिंग हमेशा करके जाती हूँ। जैसे कि आपने मेरी केरला साड़ी का कलेक्शन देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा इस वीडियो के पास सॉरी बाद मेरा केरला साड़ी का कलेक्शन। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है केरला साड़ीज़, तो वैसे ही मैंने ट्राई किया, पर बहुत ज़्यादा मुझे मिली नहीं क्योंकि सीज़न नहीं है अभी। तो जितनी भी मुझे थोड़ी अच्छी मिली वो मैंने ली है, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं सबसे पहले तो आपको सॉरी बोलना चाह रही हूँ कि बहुत दिनों से मेरे वीडियोज़ कंसिस्टेंट नहीं है। ऐसा सिटिंग वाला वीडियो तो मैं बहुत दिनों से डाला ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा पर्सनल रीज़न की वजह से भी मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी, तो इसीलिए सॉरी। और ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी कंसिस्टेंसी फिर से वापस आए और मैं अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। पर तब तक आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिए, जो लाल बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मेरा केरला साड़ी का न्यू कलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी ये साड़ी। जैसे कि देख सकते हैं, ये साड़ी एक्चुअली मैं पहन चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा ये मैंने बहुत पहले लिए है, मतलब जब आई थी तब लिए थे, पर मैं जैसे बता रही हूँ कि मैं नहीं बना पाई थी वीडियो, इसीलिए ये पड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा अब एक साड़ी ये वाली तो मैं पहन चुकी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं सारी साड़ियाँ निकाल लूँ, उससे पहले वीडियो बना लेना ही अच्छा है। तो ये है मेरी फर्स्ट साड़ी, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी है। इस पर प्यारे से राधा कृष्ण जी बने हुए हैं, मैं दिखाती हूँ आपको, मुझे तो देखते देखते ही और इससे प्यार हो जाता है आपको बताने के बजाय मैं खुद ही उसमें डूब जाती हूँ। तो इतना मुझे साड़ियाँ पसंद है, उसमें भी केरला साड़ीज मुझे और भी ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए, ये साड़ी ऐसी है, यहाँ आपको बॉर्डर मिलेगी, और ये जो बॉर्डर है वो शाइनी मटेरियल में है, जैसे कि आप देख सकते होंगे ये शाइन वाली बॉर्डर है, और इस पर राधा कृष्ण जी बने हुए हैं। देखिए बहुत ही प्यारी बॉर्डर है, और ये जो है ये पल्लू का साइड है, जहाँ पर यहाँ पर देखिए गोल्डन थ्रेड से वीविंग की गई है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ यहाँ पर भी वही बॉर्डर लगाई गई है राधा कृष्ण जी की, और ये जो बॉर्डर लगाई है देख सकते हैं, इसके पीछे भी उन्होंने कपड़ा अटैच किया है, ताकि ये जो बॉर्डर है वो ख़राब ना हो। देखिए कितने अच्छे से नीट एंड क्लीन वर्क किया गया है, यही मज़ा होता है यहाँ से केरला साड़ी ख़रीदने का। यहाँ की जो केरला साड़ी है वो आप कहीं भी ढूंढ लो वहाँ नहीं मिलती है, यहाँ इतने ईजीली मिल जाती है। तो ये साड़ी वैसी पूरी वैसी है, ये साड़ी है जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में पहले भी देखा होगा कि केरला में दो टाइप के साड़ीज़ पहनते हैं, एक तो एक सिंगल पूरी जो साड़ी होती है वैसे, या फिर दो टू पीस वाली साड़ी होती है जिसमें एक नीचे साइड में होता है और एक पल्लू का साइड होता है, तो वो भी मैंने ली है। जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ तभी गाड़ियों का आवाज़ शुरू होता है ज़्यादा, तब तक कुछ आवाज़ नहीं आते मुझे। तो ये है साड़ी,
ऑफ वाइट कलर की है, थोड़े से रिंकल दिख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये मैंने पहन चुकी हूँ। और इसके नीचे में भी ऐसी सेम बॉर्डर आपको मिलेगी, पूरी साड़ी ऐसी है, देखिए पूरी ऐसी ही साड़ी है। और इसका हाईलाइट है इसका ब्लाउज, जो कि मैंने अभी तक कोई ब्लाउज स्टिच नहीं करवाए हैं, मैं वापस जाकर स्टिच करवाऊंगी, उसके बाद शेयर करूंगी आपके साथ कि वो कैसे लगता है। एक्चुअली साड़ी का लुक जो है उसके ब्लाउज स्टिच होने के बाद ही आता है। तो ये है उसका ब्लाउज जो कि है रेड, एकदम डार्क रेड, ब्लड रेड कलर में है। और उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं ऐसी ही राधा कृष्ण जी की बॉर्डर बनी हुई है, बहुत प्यारा रेड कलर का ब्लाउज है। देखिए मैंने नोटिस किया है जब भी मैं वीडियो बनाने लगती हूँ बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, और मैं थोड़ा सा नेचुरल लाइट के लिए आउटडोर में करती हूँ शूट, अंदर नहीं करती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा नेचुरली ही पसंद है दिखाना, इसीलिए करती हूँ। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे और इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो ये है ब्लाउज पीस जो कि काफ़ी अच्छा है, बहुत प्यारा है। देखिए इसको भी अच्छे से स्टिच करवा के आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट साड़ी, आप बताइएगा कि आपको कैसे लगी। फिर मुड़ती है सेकंड साड़ी की तरफ, जो कि है ये, देखिए पैकिंग है, ये देखिए विथ ब्लाउज पीस, इसका लेबल भी निकला नहीं है। तो ये है मेरी सेकेंड साड़ी, ये एक्चुअली जो है वो ऑफ वाइट एंड रामा कलर जो होता है ना, वो कलर है, थोड़ा सा अलग लगा मुझे, थोड़ा सा अलग कलर लगा, इसलिए मैंने ये लिया है। तो चलिए खोलते हैं, ये मैंने अभी तक ओपन तक नहीं की है, लेते वक्त भी ऐसे ही देखकर ले ली थी। वाव इट्स ब्यूटीफुल, देख सकते हैं आप, ये पल्लू का साइड है, इस पर मोर बने हुए हैं, और ये कोई प्रिंट नहीं है, ये एम्ब्रॉयडरी की गई है। देखिए यहाँ पर गोल्डन एंड रामा कलर के से मोर बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और यहाँ पर एक रामा कलर की बॉर्डर बनी है, चलिए ओपन करते हैं। और इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, ये जो सॉफ्ट कॉटन होता है उसमें है, जो फर्स्ट दिखाया मैंने वो थोड़ा सा रफ कॉटन है, पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे खोलते हैं, मैं अभी खुद पहली बार खोल रही हूँ, मैंने लेते वक्त भी खोल कर नहीं देखा है, फटाफट ले लिया था। ये देखिए ओके, मैं उल्टे साइड में दिखा रही हूँ आपको, यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए ये है इसका पल्लू का साइड, तो देखिए ऊपर ऐसे बॉर्डर हैं, और इसके बाद ऐसे छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं इसमें, और नीचे भी आपको इस कलर की बॉर्डर मिलेगी, और नीचे में भी आपको ऐसे मोर बने हुए हैं, उसके बीच में ये डिज़ाइन भी है, ये पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है। ये देखिए उसके बाद यहाँ से पूरी प्लेन साड़ी है, इसमें यही रनिंग वाला ब्लाउज पीस होगा, पर मुझे लगता है इसके साथ ये कलर का ब्लाउज़ बहुत प्यारा लगेगा। तो देखती हूँ मैं इसको कैसे बनवाती हूँ। तो ये हो गई मेरी सेकेंड साड़ी जो कि बहुत ही प्यारी है, डिसेंट है। उसके बाद मुड़ते हैं थर्ड साड़ी की तरफ, जो है थोड़े से सिल्वर टोन में, जैसे कि पता है हर जगह सिल्वर का ट्रेंड तो चला आ रहा है, तो केरला साड़ीज़ में भी है, इसके पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ सिल्वर वाला, उस टाइम तो इतना ट्रेंड में नहीं था, फिर भी मुझे पसंद आया था इसलिए मैंने लिया था, पर अब तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, सिल्वर हर जगह चलता है, तो साड़ियों में तो चल रही है। तो ये है मेरी सिल्वर साड़ी, सिल्वर केरला साड़ी, नॉट सिल्वर। वाओ ये भी बहुत प्यारी है, मैंने इसमें से कोई भी ओपन करके नहीं देखी थी, बस ऊपर से देखी थी,
तो ये देखिए इसमें भी मोर बने हुए हैं, देखिए हर जगह मोर ही मोर है। मुझे पता भी नहीं चला, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने मोर के ही लिए हैं, पर अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है जब मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे बताया ना, मैं बहुत सारी चीज़ें वीडियोस बनाते बनाते रियलाइज़ होती है, मुझे तो जो पसंद आया मैंने ले रख लिया। तो ये सिल्वर, इसमें भी जो दिख रहा है आपको, ये एम्ब्रॉयडरी है, कोई प्रिंट नहीं है। देखिए इसमें ये जो है वो ब्राउन एंड सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है धागों से, और इसमें हल्का सा पिस्ता ग्रीन कलर डाला हुआ है। देखिए ये इसकी बॉर्डर है। चलो ओपन ही कर लेते हैं। ओपन करने में बड़ा बुरा लगता है, इतना अच्छे से फोल्ड तो पैक करके देते हैं, उसके बाद हमसे ये फोल्डिंग होती नहीं है। तो ये है स्टार्टिंग, ये हमारा पल्लू है। देखिए इस पर प्यारी सी बॉर्डर है, यहाँ पर ये जो दिख रही है बॉर्डर है, इसमें फ्लावर बने हुए हैं सिल्वर बॉर्डर के साथ। उसके बाद यहाँ मैंने जैसे दिखाए ये मोर बने हुए हैं, और उसके बाद देखिए इस पे भी छोटे छोटे मोर पंख बोल सकते हैं आप, छोटे छोटे से बने हुए बूटे, और नीचे भी वही मोर है जो आपको पल्लू में दिखे थे। ये देखिए वैसे ही है पूरा। और उसके बाद हमारी साड़ी जो है वो पूरी प्लेन है, और इसमें भी रनिंग ब्लाउज है सिल्वर बॉर्डर के साथ। तो ये भी सिंपल सी प्यारी साड़ी है जो कि प्यारी लग रही है। मैंने जैसे बताया मुझे जैसे चाहिए था वैसे तो बहुत अच्छे से बहुत नहीं मिला, पर ठीक है जो मुझे पसंद आया वो मैंने ले लिया, उसके लिए सीज़न में आना पड़ेगा। तो चलिए मुड़ते हैं अभी लास्ट साड़ी की तरफ, जो कि है सेट साड़ी, या बोल सकते हैं टू पीस जो साड़ी मैंने आपको बताई थी वैसी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, जो है ये कलरफुल वाली। इसका ब्लाउज भी इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली मुझे ब्लाउज अच्छे रहे तो थोड़ा सा ज़्यादा मन करता है लेने के लिए। तो ये ऐसे है टू पीस में, देखिए देख सकते हैं कितने प्यारे बने हुए हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओपन करते हैं। इसको मैंने आपको पहनने के लिए बताया था कैसे पहनते हैं, तो ये देखिए ये साड़ी ऐसी है। इसमें भी आपको यहाँ पर बॉर्डर मिलेगी जो कि मल्टी कलर ऐसे पेटल्स जैसे बने हुए हैं, इस पर यहाँ पर भी बॉर्डर है और यहाँ पर भी बॉर्डर है, और इसके बाजू में आपको गोल्डन वाली टेंपल बॉर्डर भी दिखेगी ऑफ वाइट एंड मल्टी कलर में, बहुत ज़्यादा उठ के दिखता है क्योंकि क्रीम कलर के ऊपर कोई भी कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, वाइब्रेंट लगता है। तो ये ऐसे ही है पूरा, इधर से भी और इधर से भी, देखिए नीचे में भी बॉर्डर है आपको मिलेगी, ऊपर में भी बॉर्डर मिलेगी। उसके बाद इसका जो पल्लू वाला साइड होता है वो भी वैसे ही है, ये देखिए इसमें भी ऊपर आपको बॉर्डर मिलेगी, यहाँ पर टेंपल बॉर्डर है उसके साथ मल्टी कलर वाली बॉर्डर है नीचे से ऊपर तक, ये देखिए। ये एक्चुअली पल्लू के साइड का है इसलिए इसके नीचे देखिए बॉर्डर नहीं है, वो जो था मैंने पहले जो दिखाया वो नीचे प्लीट्स बनाते हैं वो साइड में होता है, इसलिए उसके ऊपर और नीचे आपको बॉर्डर मिलेगी, पर ये जो है वो पल्लू के साइड का है इसलिए यहाँ पर आपको एक साइड ही बॉर्डर मिलेगी। और सबसे इंटरेस्टिंग जैसे बताया इसका ब्लाउज जो कि है ये मल्टी कलर वाला, जो कि इस साड़ी के साथ नहीं बहुत सारी साड़ियों के, हमारे जो इंडियन वेयर में जो साड़ीज होती है उनमें बहुत सारी साड़ियों के साथ ये ब्लाउज काम करेगा, जिसका कपड़ा रॉ सिल्क का है, थोड़ा शाइनी जो होता है रॉ सिल्क वो वाला कपड़ा है। देखते हैं इसकी लेंथ, हाँ इसकी लेंथ भी अच्छी खासी है, जैसे चाहे बनवा सकते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा है। इस पे आप प्लेन साड़ीज भी स्टाइल कर सकते हैं, बहुत प्यारी लगेगी इस वाले ब्लाउज पे, आजकल तो ट्रेंड में भी है।
और आपने भी मेरी प्लेन सारी तो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। उसके साथ इन साड़ियों के साथ भी ये वाला ब्लाउज पीस बहुत ब्लाउज़ अच्छा लगेगा। स्टिच देखते हैं कैसे बनाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं, ग्रीन, ऑरेंज, पीच, रेड, पिंक, येलो, सारे कलर्स हैं, इसलिए कोई भी साड़ी इसके साथ जाएगी, ब्लैक तो जाएगी ही जाएगी। तो ये हो गया इसका ब्लाउज पीस, जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अच्छे से हम इसको बना सकते हैं। देखिए आई थिंक 1 मीटर से भी ज़्यादा है, तो जैसा चाहिए बना सकते हैं ब्लाउज पीस। तो ये हो गया मेरा आज का कलेक्शन। तो इन सब के ब्लाउजेज़, जैसे कि मैंने बताया ये न्यू है, तो इनके ब्लाउजेस बन के अभी नहीं आए हैं, तो जब मैं इसके ब्लाउजेस बना दूंगी तब मैं शायद आपके साथ इसका ट्राई ऑन शूट करूंगी, या देखती हूँ कैसे होता है, तो जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बिना ब्लाउज़ के इसको ट्राई करने में इतना मज़ा नहीं आता है, या वो लुक नहीं आता है जो ब्लाउजेस के साथ आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ब्लाउजेस बनाने के बाद इसका ट्राई ऑन शूट करूँ। तो ये हो गया मेरा आज का वीडियो, आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, ये सब साड़ियाँ मैंने लोकली ख़रीदी हुई है, क्योंकि मैं केरला में हूँ, लोकल शॉप से ख़रीदी हुई है, जहाँ से मैं हमेशा ख़रीदती हूँ, इसलिए मैं इसका कोई लिंक नहीं दे सकती हूँ। अगर आप पर आप अगर केरला आते हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कौन से शॉप से ख़रीदी है, ताकि आप भी जाकर वहाँ से ख़रीद सको। तो बहुत ही अच्छी साड़ियाँ मुझे मिली है, मतलब सीज़न के हिसाब से इस टाइम पर तो जनरली बहुत मुश्किल होता है मिलना, पर मुझे अच्छी मिल गई है। तो चलिए, ये हो गया मेरा आज का वीडियो, आप बताइएगा कि आपको कैसे लगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाते हैं, तो चलिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।